योगी जी, इस बार की परीक्षा का पेपर जिस टीचर ने भी बनाया है, कम से कम एक क्विंटल काजू बादाम खा के बनाया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। एक तो हमारे क्लास में जो टीचर पढ़े हैं वो बहुत सख्त हैं, चेकिंग बहुत कर रहे हैं। अरे वो तो इधरी को आ रहे हैं। अरे भाई लालू जी, जरा बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, बेंच के ऊपर। जी राहुल सर, मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो आराम से अपना पेपर कर रहा हूँ। अरे भाई पेपर तो कर रहे हो, पेपर के नीचे एक पर्ची थी तुम्हारी, कहाँ गई? अरे अभी तो तुम लिख रहे थे, पेपर के नीचे छुपी हुई थी, मैंने देख लिया था अपनी आंखों से। बाज की तरह तेज आंखें चलती है मेरी। अरे अब तो है नहीं तुम्हारे पास वो पर्ची, कहां गई? अरे राहुल सर, आपको गलत फहमी हुई है, मैं कोई नकल उकल नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी पूरी तरीके से तलाशी ले सकते हो। अरे मोदी जी, पर्ची तो थी लालू जी के पास, गई कहां? तलाशी करने पर मिली नहीं उनके पास। अरे वो सब छोड़ो मोदी जी, ये बताओ दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या है? अरे अखिलेश, अभी मैं पहले वाले प्रश्न पे अटका हुआ हूँ, तुम दूसरे वाले प्रश्न की बात कर रहे हो। आधे घंटे से जब से पेपर मिला खाली बैठा हूँ, एक भी प्रश्न नहीं आता है मुझे, जो याद किया था वो कुछ आया ही नहीं। अरे 3 दिन में गांव के ऊपर निबंध याद किया, आ गया शहर के ऊपर निबंध, बताओ क्या करूं? अरे राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी। हाँ बोलो योगी जी, चीख क्यों रहे हो, हल्के हल्के बोलो। अरे कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था बता दो। अरे कबीर दास जी के जन्म के टाइम योगी जी क्या मैं था? मुझे नहीं है पता। अरे मोदी जी, मैं सुबह ही ममता दीदी से कहाया था कि मैं और मोदी जी खिड़की के पास बैठेंगे, वहाँ पे चुपके से तुम हमें क्वेश्चन के आंसर बता देना, लेकिन अभी तक नहीं आई है खिड़की के पास। अरे अच्छा हुआ केजरीवाल जो ममता दीदी नहीं आई, चेकिंग देख रहे हो कितनी सख्त हो रही है परीक्षा में, लगता है इस बार एक भी क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। अरे अमित शाह जी से बात कैसे हो, वो कोने में बैठे। अरे उवैसी जी, उवैसी जी, अमित शाह जी से कहना जब वो अपना पेपर हल कर ले तो कॉपी को मेरी तरफ भेज दे, इधर चुपके से तुम ही ले लेना, मुझे आगे बढ़ा देना। अरे अमित शाह जी, अमित शाह जी, मोदी जी आपकी कॉपी मांग रहे हैं, कॉपी दे दो चुपके से। आपने कर लिया पूरा पेपर? अरे कर लिया पेपर अभी मैंने, अभी 2 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाया हूँ। वैसे ओवैसी जी एक बात बताना, ताजमहल किसने बनवाया था? कल तक याद था, आज भूल गया। अरे अमित शाह जी, इतनी छोटी सी बात आपको याद नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ताजमहल किसने बनवाया था, पहले ये बताओ ताजमहल स्थित कहाँ पे है, कहाँ पे बना हुआ है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे केजरीवाल जी, मैं इसीलिए मोदी जी की इस कार पे नहीं बैठना चाहता हूँ। अब आप देख ही रहे हो, ये बीच रास्ते में खराब हो गई, मैंने आपसे कहा था इनकी कार में मत बैठो मत बैठो। वो तो भला हो इन मैकेनिक साहब का जो यहीं पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, वो मिल गए और कहने लगे कि मैं कार मैकेनिक हूँ, और कार को सही करने लगे, नहीं तो यहीं पे पड़े रहते पूरा दिन। अरे ज्यादा मत बोलो अखिलेश, अपने सामान की हालत देखी है, कितना सामान था अपने पास? कोई भी गाड़ी वाला और कार वाला अपनों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अपने पास सामान इतना ज्यादा था, कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये क्यों भूल रहे हो, अपने इतने सामान की वजह से ही इनकी गाड़ी खराब हुई है। वो तो मोदी जी का धन्यवाद करो कि इन्होंने इतना सामान लाद लिया अपना, नहीं तो इसी गांव में रह जाता सारा का सारा सामान। अरे लाद लिया तो क्या हुआ, एहसान थोड़ी करा, पैसे नहीं लेंगे? एक तो हमें ऊपर बैठा दिया है कार के ऊपर, और अंदर योगी जी को बैठा दिया है। अरे भाई साहब, तब तक खुटर पुटर करते रहोगे, कुछ तो बताओ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि या दूसरे मैकेनिक को बुलाऊं मैं? 1 घंटे से यूं ही इंजन के पास खड़े होके खुटर पुटर कर रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो। अरे क्या बताऊं मैं आपको, सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार है? अगर सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार हो तो बोलूं मैं, कुछ बोलो। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आसमान गिर गया, बोलो ना जल्दी बोलो। ऐसा है, आपकी कार के जितने भी पिस्टन थे सारे के सारे पिस्टन टूट गए, अभी ये कार ऐसे तो सही हो नहीं सकती, इसे गैराज में ले जाना पड़ेगा, एक रास्ता और है। जी बोलिए, दूसरा रास्ता बताइए, मुझे लगता है दूसरा रास्ता बढ़िया होगा, वो बताओ। यही पास में एक कबाड़ की दुकान है, उस कबाड़ की दुकान में अपनी कार को बेच दो। अरे भाई आपको शर्म नहीं आती, जरा सी कार पे बेचारी पे इतना वजन लादे पड़े हो, कार भी तो कहती होगी किसके हपट्टे पड़ गई मैं। अरे मोदी जी, ये कैसा मैकेनिक है, ये तो उल्टी सीधी सलाह दे रहा है। अरे भाई मुझे लगता है तुम मैकेनिक हो ही नहीं, तुम तो यहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, बेफालतू में आप कहने लगे कि मैं मैकेनिक हूँ, मैं सही कर दूंगा गाड़ी को। ऐसे गाड़ी सही करोगे, कबाड़ में बेचने की बात कर रहे हो? केजरीवाल जी और अखिलेश जी, मैं तो उतर रहा हूँ यहाँ पर, भाई मैं इंतजार नहीं करूंगा। अब मोदी जी की कार का कोई भरोसा नहीं कि ये ठीक हो भी या ना हो, इसीलिए नीचे चल के रोड पे हाथ धो, कोई दूसरी कार को रुकवाओ, उसी में अपना सामान लाद लेंगे और चलेंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले ये बताओ, तुम दोनों में से फोन किसने किया था पुलिस थाने में, कौन था फोन करने वाला? जी मैंने किया था फोन, मैंने बुलाया है आपको।
जैसा कि मैं अपनी फाइल में देख पा रहा हूँ, तुमने फोन पे बताया था कि रुको सब इंस्पेक्टर राहुल, रुको, यहीं पर रुक जाओ, आगे मत बोलो बिल्कुल। जी सर जी, मुझसे क्या गलती हो गई, जो इन्होंने फोन पर बताया था वो ही पढ़ के बता रहा हूँ मैं। अरे सब इंस्पेक्टर राहुल, अब तुम्हें फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सामने है, पहले इनसे पूछो इन्होंने हमें किस वजह से बुलाया है, क्यों बुलाया है। अरे सर जी, मैं बताता हूँ पूरी बात आपको। तुम बीच में पहले क्यों बोल रहे हो, तुमने थोड़ी बुलाया है हमें। फाइल में क्या नाम है? योगी जी। योगी जी आप बोलो। अरे सर जी, ऐसा है, मेरा 2 बीघे का खेत का टुकड़ा है, उसी खेत की फसल से जो अनाज आता है उससे मैं अपना गुजारा करता हूँ, और ये मेरे बराबर में खड़े हैं, इनका नाम अखिलेश है, इनके पास 5 भैंसे हैं, 5 भैंसों को ये खुला छोड़ देती हैं, इनकी भैंसों ने मेरे खेत की सारी फसल खा ली, आप ही बताओ मैं क्या करूंगा। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा अखिलेश, ये बताओ अपनी भैंसों को क्यों खुला छोड़ देती हूँ। ये योगी जी बता रहे हैं कि इनके खेत की सारी फसल तुम्हारी भैंसे खा गई, अब ये क्या करेंगे, इनका जितना भी नुकसान हुआ है तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अरे सर जी, ऐसे कैसे दंड देना पड़ेगा, मुझे अपनी सफाई में कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने इनकी बात तो सुन ली, मेरी भी तो बात सुनो, क्या पता ये पूरी बात ना बताते हूँ। जरूर अखिलेश जरूर, तुम्हें भी अपनी सफाई में कहने का मौका मिलेगा, बताओ अपनी बात, बताओ कोई बात है। सर जी पूरी बात जरा ध्यान से सुनना, 2 भैंसे ये भी पालते हैं, इनके भी घर पे भैंस हैं, इन्होंने अपने आप अपने खेत को अपनी भैंसों से चराया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अरे भाई क्या दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहे हो तुम, ये बताओ ये अपनी भैंसों को अपना ही खेत क्यों खिलाएंगे, क्यों चराएंगे। यही तो बात है, इसी में तो खेल है, तो बात को घुमा फिरा क्यों रहे हो, सीधे सीधे बताओ क्या खेल है। खेल ये है सर जी, ये भी अपनी 2 भैंसों का दूध गाँव में बेचते हैं, मैं अपनी 5 भैंसों का दूध गांव में बेचता हूँ, गांव में इनका दूध बिकता नहीं है, मेरा दूध खूब बिकता है क्योंकि ये पानी मिलाती हैं। तो इन्होंने सोचा ये बहाना करके अखिलेश की भैंसे पकड़वा देता हूँ, फिर मेरा दूध आराम से बिकता रहेगा। क्यों योगी जी, ये अखिलेश सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? इसका बोला गया एक एक शब्द गलत है, किसी से भी पूछ लो, मेरी भैंस का दूध गांव वाले ज्यादा पसंद करते हैं, पानी ये मिलाता है। अरे तुम दोनों ने तो धर्म संकट में डाल दिया, अब गांव में ही जाके जांच पड़ताल करना पड़ेगी, कौन सच बोलना है कौन झूठ बोलना है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।